दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। ब्रिटेन में बड़ा बवाल हो रहा है। पिछले कई महीनों से ब्रिटेन में जनता सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन कर रही है और लगातार इस बात को मैं आपको बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। लेकिन मसला यह है कि गोदी मीडिया देख देख के जो है लोगों को आदत चल चुकी है कि जो बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला के एनिमेशन के साथ मसाला लगा के दिखाएगा उसकी बातों को सच माना जाएगा, जो सीधी सीधी और सच सच बता देगा वो उसको आप लोग झूठ मानेंगे। बहरहाल आपको बता दूँ कि ब्रिटेन का इतना बुरा हाल है, महंगाई सातवें आसमान पर पहुँच चुकी है, आम नागरिक सड़कों पर हैं, एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट में काम करने वाले, कॉलेज में कोई प्रोफेसर हो या डॉक्टर और नर्सेज हो, मॉल में काम करने वाले लोग हों, सभी हड़ताल पर जा चुके हैं। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से खफा हैं। और ब्रिटेन की सरकार से खफा क्यों है? ब्रिटेन में उथल पुथल चल रही है। कभी कोई प्रधानमंत्री बोरिस के हटने के बाद आपको पता है वो फीमेल प्रधानमंत्री बनी, फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया, हार मान ली, फिर ये भारतीय मूल के जो हैं बने हैं ऋषि सुनक, इसके बाद जो है इनके आने के बावजूद इन्होंने क्या किया, बजाय अपने देश का पैसा बचाने के, देशवासियों को थोड़ा ढील देने के, महंगाई कम करने के बजाय इन्होंने क्या किया, उल्टा अंधा हथियार और अंधा पैसा देना शुरू कर दिया और यूक्रेन को। अब जनता देख रही है हमारे टैक्स का जो पैसा है, हमारी कमाई जो है, हमारी सरकार एक जंग में झोंक रही है। इससे लोग तो नाराज़ होंगे ही, भले ही मोदी जी के दोस्त का ठप्पा लगाकर भारत में प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन ऋषि सुनक की वो सरकार भी अब फ्लॉप होती नज़र आ रही है। जी हाँ, ब्रिटेन में ऐसा बवाल हो रहा है, कैसा देख लीजिए। Mais il n'y a pas de hachetur. जी हाँ, यह आपने देख लिया, एयरपोर्ट खाली, मार्केट खाली, ऐसे ही है, हड़ताल चल रही है, कहीं हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, कहीं हड़ताल चल रही है। अब ब्रिटेन की सरकार ने, स्क्रीन पर देखें ये प्रूफ, ब्रिटेन ने कहा है कि मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे। जो स्ट्राइक किया है, जो लोग शांति से, मतलब स्ट्राइक पर क्या मतलब होता है, स्ट्राइक का मतलब होता है बंद कर देना, मार्केट बंद कर देना, दुकानें बंद करके प्रदर्शन पर चले जाना, खामोश बैठ जाना। स्ट्राइक का मतलब हमला करना नहीं कि हाँ मैं अगर स्ट्राइक पे जाऊंगा तो मैं अपने दुकान बंद करूंगा, ऑफिस बंद करूंगा, ये मेरा स्ट्राइक हो गया। जैसे भारत बंद का भारत में चलता रहता है, कभी कभी प्रदर्शन होता है, ऐसे ही जो लोग स्ट्राइक पर हैं उस स्ट्राइक को ख़त्म करवाने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करेगी, ऐसा अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। यानी वहाँ की जनता ना पथराव कर रही है, ना आग लगा रही है, ना तोड़फोड़ कर रही है, ना गोलीबारी कर रही है, सिर्फ स्ट्राइक पर है। और इसी बना पे ब्रिटेन की दोगली सरकार, दोगले लोग, दोगले वहाँ के पूरा यूरोप है, उसकी हरकत देखिए। ये ब्रिटेन कह रहा है कि हम
स्ट्राइक पर जाने की वजह से हम मिलिट्री इस्तेमाल करेंगे। और वही ईरान जो कर रहा था, क्योंकि ईरान में प्रदर्शनकारी पत्थर लेके हमला कर रहे थे, डंडों से हमला कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, सरकारी संस्थानों को आग लगा रहे थे, तो इसके जवाबी कार्रवाई में जब ईरान गिरफ्तारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, तो इन्हीं ब्रिटेन के लोगों को, यूरोप के लोगों को गलत लग रहा था, और अपने ही लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। ईरान ने इस पर तुरंत इनको जलील कर दिया। ईरान ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड देखिए ह्यूमन राइट की तरफ एज अ प्रोटेस्टर्स, यानी अगर ईरान के प्रदर्शनकारी होते हैं उनको हम रोकते हैं तो हमें गलत बताया जाता है, और अपने प्रदर्शनकारियों को जब रोकने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं तो वो सही है। आज जो कुछ भी ईरान में हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे ही दोगले देशों की वजह से हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त बदलेगा। अब हालात जो ईरान के अंदर अंदर थे वैसे ही हालात अब ब्रिटेन के हैं। भले ही ब्रिटेन के पास पैसा है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, और फिर ऐसा पैसा हो के भी क्या फ़ायदा कि तुम्हारी जनता ही खुश नहीं है। वहीं ब्रिटेन की एक अमेज़ॉन में काम करने वाली महिला, नौकरी करने वाली अमेज़ॉन में महिला का इंटरव्यू यूरोप में अब वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेज़ॉन कितना प्रेशर उन पर डालता है। अगर आदमी मूतने के लिए भी जाए तो उसका भी टाइम होता है, जितनी देर वो काम करते हैं कंटिन्यू सर्विलांस में होते हैं, उन पर पाबंदी होती है, और ज़रा सी गलती पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। आराम कम और काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, और यही हाल है दोस्तों, हाल बेहाल है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं, और बात यहां ब्रिटेन की कर रहा हूं कि ब्रिटेन का भी देखिए ये हाल है। And it's not just that the pay is too low. The work is incredibly stressful, it's difficult, and people work in a fishbowl of total surveillance. They're managed by an algorithm, essentially, that squeezes every minute out of every day. If you've heard of Amazon workers feeling so pressured that they have to urinate in a bottle, for example, they have to do that because of something called time off task, which says that if you go idle for too many minutes in a day, then Amazon's going to penalize you and potentially fire you. So people are fed up, they're saying it, they've had enough is enough, and they're coming together potentially to vote for Trump. भले ही भारत में TikTok बैन है, लेकिन यही TikTok चाइना का पूरी दुनिया में कई जगह जमकर चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन अमेरिका को चाइनीज ऐप जो पहले म्यूजिकली था, वो अब TikTok बाद में हुआ, उस TikTok पर शक है। अब FBI ने बताया है कि हम चीन की कंपनी TikTok से लगातार अमेरिका के गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसकी सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की FBI और खुफिया एजेंसी को शक ये है कि इन चाइनीज ऐप के ज़रिए अमरीकियों का डेटा छीन रहा है, हासिल कर रहा है चाइना। वहीं कल अमेरिका ने जो अपना खतरनाक बॉम्बर बनाया था और दिखाया था, उसके बाद अपने कंधों को उचकाते हुए अमेरिका ने चाइना को वार्निंग दी है कि इसी तरह से हम लीथल वेपन बनाते रहेंगे और घातक एडवांस हथियार बनाते रहेंगे। वहीं अब आपको मैं इंडोनेशिया ले चलूँ। इंडोनेशिया से बुरी और बड़ी खबर, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फट गया है, जिससे खौफ का माहौल है, इलाके और गाँव को खाली कराया जा रहा है।
इस बात को मैं पहले एक बार बता चुका हूं, मुझे याद है, एक बार फिर से बड़ी खबर आई है कि दुनिया में आप जानते हैं सबसे बड़ी कंपनी जो एप्पल है उसकी फैक्ट्री है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते हैं, सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को अब चीन से बाहर एप्पल शिफ्ट करेगा। ये चाइना के लिए अब तक का सबसे तगड़ा झटका है और नाम भारत का आ रहा है। जी हाँ, भारत में कहा जा रहा है कि ये पूरा प्रोडक्शन, पूरी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है एप्पल की, शिफ्ट हो जाएगी। अब वहीं भैया पूरी दुनिया में एक चीज़ अलग चल रही है, ये जो वो होते हैं ना एक्टिविस्ट नाम पर, कभी किसी चीज़ को लेकर ये कि तेल इस्तेमाल मत करो, कभी कोई कहता है ये इस्तेमाल मत करो, और वो इसके बचाने के लिए अपने प्रदर्शन को अनोखे तरीके से करते हैं, कभी अपने आप को जाके पेंटिंग से चिपका लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसे ही लंदन के एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर नॉनवेज मिलता है, ऑब्वियसली बहुत जगह नॉनवेज मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी जगह नॉनवेज ना मिले, लंदन के एक बड़े रेस्टोरेंट में एक एनिमल लवर एक्टिविस्ट जाती है और वहाँ पर हंगामा मचाती है, जिसके बाद उस एक्टिविस्ट को उठाकर होटल के बाहर फेंका गया। यहाँ मैं आपको एक खबर बताऊंगा, माफ़ कीजिएगा मेरी निकल गई, आपकी भी निकल सकती है हंसी। ये जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग है, इन्होंने 3 लोगों को फांसी दे दी है। अब आप कहेंगे रजा भाई इस बात पे हंस रहे थे, नहीं इस बात पे नहीं, किस वजह से फांसी दी है मैं आपको बताता हूँ। जिन 3 नॉर्थ कोरिया के आम नागरिकों को फांसी दी गई है, उनका जुर्म ये था कि उन 3 ने साउथ कोरिया की फिल्म को देखा था। जी हाँ, साउथ कोरिया से बिल्कुल ऐसे हैं ये, और साउथ कोरिया की हर चीज़ को नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने बैन किया हुआ है। ऐसे में चुपके से इन्होंने अपने घर में साउथ कोरिया की एक फिल्म देख ली, जिस पर इनको मौत की सजा सुना दी गई। उधर पाकिस्तान की एम्बेसी पर अफगानिस्तान में जो हमला हुआ था, मैंने ही बताया था कि इसकी जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली, लेकिन ISIS में शामिल हो सकता है। जी हाँ, अब ISIS यानी दाइश ने जिम्मेदारी ले ली है और कह दिया है कि पाकिस्तान के एम्बेसी पर हमने हमला किया था। एक कमाल और एक अजीबोगरीब खबर आपको बताना चाहता हूँ और दिमाग में आपके एक बात डालना चाहता हूँ, सोच के देखिए। भारत समेत कई देश तालिबान को मान्यता नहीं देना चाहते, लेकिन चुपके से भारत ने एम्बेसी अपनी खोली हुई है। यही BJP सरकार थी जो तालिबान को आतंकवादी कह रही थी और गोदी मीडिया आतंकी लिख रहा था तालिबानी को, और अब देखिए मोदी सरकार ने अपनी एम्बेसी खोली हुई है, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अब बड़ी बात ये है, जो खबर है बड़ी वो ये है कि जापान ने भी ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के राज में अपनी एम्बेसी खोलने वाला है। दुनिया की ये बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने रख दी हैं। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।